हेलो। हाँ अंकल जी नमस्ते। अच्छा अच्छा आपने देखा वो वीडियो? अच्छा अच्छा कैसा लगा आपको? अच्छा आपको पसंद नहीं आया? अच्छा, ठीक ठीक है अंकल, मम्मी का फोन में रखता हूँ, मम्मी का फोन आया। हाँ, अंकल आती है, सुन लिया। एक आम सलमान खान की मूवी को निचोड़ कर देखो तो इतना चूतियापा देखने को मिलेगा, और इतना चूतियापा काफ़ी है आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए। आज बात करेंगे सलमान खान की। तो अगर आप सलमान फैन हैं तो अभी भी टाइम है, बिग बॉस चला लीजिए। पता नहीं ये केस क्यों चल रहा है, मतलब क्यों इतना खींचा जा रहा है। भाई तो इतनी सेफ्टी से गाड़ी चलते हैं, मतलब कितनी सेफ्टी से चलते हैं। मेरे पास है उस दिन का एक्सक्लूसिव वीडियो। इस वीडियो में एक बार भाई के साथ बैठे हुए आदमी को देख लो, उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। सलमान खान बहुत क्यूट आदमी है, मतलब सलमान भाई क्यूट इसलिए है क्योंकि वो एक आदमी के अंदर का आदमी है। मतलब जो 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 हम सोचते हैं ना वो कर चुका है। जो लोगों पे गाड़ी चला दी। सलमान की किक ने कमाए 300 करोड़, सुल्तान ने कमाए 400 करोड़। में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अब बात करते हैं मस्ती के सीक्वल से अपना घर चलाने वाले विवेक ओबरॉय की। मतलब कोई मुझे उस बंदे की गलती बताया प्लीज, कोई मुझे उस बंदे की गलती बताया। मतलब तुम सोचो यार, तुम्हारे एक लड़की सेट है, मतलब ठीक है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें परेशान उसको परेशान कर रहा है, ठीक है, तो एज ए बॉयफ्रेंड तुम क्या करोगे, डिफेंड करोगे ना। सलमान खान वो आदमी है जो एक आदमी मार चुका है, हिरन मार चुका है और जेल जाने वाला है, उसका करियर पूरा खत्म है, लेकिन वो जेल नहीं जाता। फिर आती है तेरे नाम। मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे। सारी दुनिया के जिम जाने वाले लोंडे सलमान खान के फैन बन जाते। अब बात करते हैं भाई के फैंस की। आइए अब देखते हैं इन सब चीजों के पीछे सलमान खान फैंस का क्या लॉजिक है। वाह, भाई का दिल देखा किक में, पहले साइकिल की जान बचाई फिर खुद की। भाई का फेवरेट गेम है क्रिकेट, क्योंकि उसमें है हिट एंड रन। भाई को जेल, भाई भाई को जेल, भाई भाई मैं आ रहा हूं भाई। मतलब बजरंगी भाईजान में भाई का दिल देखो, पराई बच्ची को पाकिस्तान छोड़ के आया भाई, पाकिस्तान छोड़ के आया। कोई करता है आज के जमाने में ऐसा? बात करते गाड़ी मैं चला रहा था ना कि भाई चला रहे थे। भाई बेगुनाह है, भाई को छोड़ दो, पकड़ना है तो मुझे पकड़ो, निर्दोष है भाई। आप चला रहे थे? हाँ जी मैं चला रहा था गाड़ी। और मुझ यार ये तो हद ही हो गई। मतलब पहली बात, एक्सीडेंट हुआ था लैंड क्रूजर से, इस आदमी की शक्ल दी कि आज शक्ल पे लिखा है कि इसने मारुति 800 के ऊपर से कोई गाड़ी चलाई नहीं है। बात करते हैं सलमान खान से लाइव। हाय ब्रो, कैसा है? हाय भाई कैसे हो? अच्छा भाई ये बींग ह्यूमन के बारे में कुछ बताइए। बींग ह्यूमन एक दिन मैंने अरबाज सोहेल को बोला कि ह्यूमन बींग मेरे टी शर्ट पर लिख दो, सालों ने बींग ह्यूमन लिख दिया। चलो जब अपनी पिक्चरें चल जाती है तो ये भी चल जाएगा। थैंक यू भाई। आप सच में वर्जिन हो? यार ब्रो, 90s में आलोक नाथ ही मेरे पिता का रोल किया करते थे, बस उन्हीं के संस्कार हैं।
भाई एक पर्सनल सा सवाल है, उस एक्सीडेंट वाली रात सच में आपने शराब पी थी उस दिन? मतलब अल्कोहल थोड़ा सा भी, मतलब न्यूज़ में पढ़ा मैंने तो, बाकी मुझे लगता तो नहीं ऐसा आपने पिया होगा। बाबा मैंने तो बारटेंडर से पानी भी नहीं मांगा था, उसने तो मुझे अल्कोहल दे दिया बाबा। नहीं करना यार, मेरे को नहीं करना यार ये। वीडियो आपको पसंद आया तो थैंक यू मत बोलिए, इससे और 3 लोगों को शेयर कीजिए, नीचे सब्सक्राइब कीजिए।